तब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटा, तब से अफगानिस्तान बर्बादी के बम पर बैठ गया। अमेरिका के हटते ही अफगानिस्तान में खून खराबा, मारकाट बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, क्रूरता बढ़ती जा रही है, आसपास के सभी देशों और मध्य एशिया तक बड़ा खतरा बन गया है। अफगानी सेना तालिबान से लड़ रही है और बड़ी हिम्मत से लड़ रही है, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान है, वो तालिबान के लिए लड़ाके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान यही कह रहा है कि तालिबान तो पाकिस्तानी सेना का पपेट है। पहले 22 अफगान कमांडो से सरेंडर करवाया, फिर इन निहत्थों को सड़क में लाइन से खड़ा किया और कुछ ही सेकंड में इन सभी को गोली मार दी। सड़क पर लाशें बिछ गई। ये तालिबान की क्रूरता का ट्रेलर है। अगर तालिबान फिर से आए तो यही पूरे अफगानिस्तान में होने का डर है, क्योंकि अफगानिस्तान के 85% इलाके में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हजारों परिवारों को उनके घरों से भगा दिया है, घरों पर कब्जा किया जा रहा है, स्कूलों को चलाया जा रहा है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके में तालिबानी कानून से सजा दी जा रही है। तालिबान के टारगेट पर काबुल है, वो ज्यादा दूर नहीं है। अभी कंधार पर कब्जे के लिए मारकाट चल रही है, गजनी में भी भीषण लड़ाई चल रही है, पूरे अफगानिस्तान में खून बह रहा है। हालात बिगड़ने से सबको डर है, तालिबान का राज आ जाने पर सबको चिंता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। चीन को चिंता है कि उसके शिनजियांग प्रांत के विगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह और मदद न मिलने लगे। रूस की चिंता है कि अफगानिस्तान में कट्टरता और खून खराबा बढ़ा तो पूरे मध्य एशिया को खतरा होगा और मॉस्को तक इसका असर पड़ेगा। रूस और चीन की तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता और खून खराबा बढ़ने से चिंता है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों की अफगानिस्तान से लंबी सीमा लगती है, हिंसा बढ़ने पर इन सीमाओं पर शरणार्थी संकट बढ़ेगा। ये सब देश शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े हैं और इसी की बैठक में अफगानिस्तान पर फोकस करके चर्चा की गई और अपनी अपनी चिंताओं को बताया गया। भारत की चिंता ये है कि अफगानिस्तान के विकास में उसने $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, अफगानिस्तान से गहरे संबंधों पर निवेश किया जो अब दांव पर लगा है। तालिबान के आने से हालात बदल जाएंगे, आतंकी संगठन मजबूत होंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा और पाकिस्तान को एक बढ़त मिल जाएगी। अफगानिस्तान की बढ़ती वायलेंस से सारी दुनिया चिंतित है, खास करके हिंदुस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सऊदी अरेबिया और ईरान। हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर वहां इन्वेस्टमेंट की भी $3 बिलियन से ज्यादा है और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट जाया हो। पाकिस्तान की और चीन की जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को वहां से हटाया जाए और हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर रोल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान कितना भी इनकार करता रहे दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तालिबान की पूरी लीडरशिप पाकिस्तान में वर्षों से पल रही है। अफगानिस्तान यही कहता है कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान उससे लड़ रहा है। तालिबान के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान अपने लड़ाके एक्सपोर्ट कर रहा है। जैश मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगान सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। खुद पाकिस्तान के एक पश्तून सांसद ने इस नेक्सस की पोल खोली है। हम जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद सूदी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्ला साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा, अमरुल्ला साले जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को दो खतरात लाहक हैं। एक, अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हकूमतों को अमन आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप एक अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पे हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुवतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। तालिबान को सपोर्ट पाकिस्तान ये जानकर भी करता है
कि खुद उसके लिए भी अफगानिस्तान के बिगड़े हालात भारी पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की लंबी सीमा है और जिस तरह से खून खराबा हो रहा है उसमें शरणार्थियों का संकट आएगा। पाकिस्तान भी खून खराबे से बच नहीं सकता, वो भी आतंक की चपेट में फिर से आएगा। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि तालिबान का राज जाने से उसका जो दबदबा अफगानिस्तान में चला गया था वो अब तालिबान के आने से वापस आ जाएगा। आज तक